अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको वेंटोलिन सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, छोटे बच्चों को या बड़ों को किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। वेंटोलिन रिस्पायरेटर सॉल्यूशन है, ये नेबुलाइजर में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन भी है, नॉट फॉर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन की सूरत में नहीं लगाया जाता, ना ही आप इसे ड्रॉप्स की सूरत में ओरली मुंह के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप बोतल खोल लेते हैं, इसमें 20 मिलीलीटर ड्रॉप्स होते हैं, अगर खोल लेते हैं एक महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 20 मिलीलीटर इसमें इसकी डोज है और इसकी जो स्ट्रेंथ है 5 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, 1 ml में 5 mg इसकी डोज है। 54 रुपये का मार्केट से आपको ये मिल जाएगा। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये वेंटोलिन सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए नेबुलाइजर में ये डालकर दिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि ये भी नेबुलाइजर में आपने डालना होता है, साथ में इसमें नॉमसलाइन होता है वो डालकर इससे भाप देनी पड़ती है, नेबुलाइज करना पड़ता है मरीज को। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ, ये अस्थमा के लिए, अगर किसी बंदे को अस्थमा है, दमा है, उसकी तकलीफ है, उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, वीजिंग आवाज़ आ रही है सांस लेते हुए, या सांस लेने में दुश्वारी है, तो उसमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर एलर्जी का अस्थमा है, एलर्जी की वजह से अस्थमा हो गया, सांस की तकलीफ हो गई है, खांसी हो गई है साथ में, तो उसमें भी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। अगर एलर्जी की वजह से आपको ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म ये होता है कि सांस की नालियां जो एयरवेज हैं उसमें मसल्स होते हैं, ब्रोंकाई में जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, वीजिंग, सांस लेने में दुश्वारी होती है, आवाज़ आती है सांस लेते हुए, तो उसके लिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। कॉमन कोल्ड की वजह से भी अक्सर ये होता है कि नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसमें भी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, फेफड़ों में जो एयरवेज होती हैं फेफड़ों की वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। सलब्यूटामॉल इसका जेनरिक नेम है, सलब्यूटामॉल जो है ये ब्रोंकोडायलेटर है, फेफड़ों में जो नालियाँ हैं एयरवेज हैं उनको ये डायलेट करता है, अगर किसी बीमारी की वजह से वो सिकुड़ गई हैं, टाइट हो गई हैं, तो उन्हें डायलेट करता है, अगर वो सिकुड़ जाती हैं तो उससे ये होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस नहीं ले पाता इंसान, वीजिंग आवाज़ आती है, खांसी होती है, तो उसको ये डायलेट करता है और सांस लेने में आसानी होती है। नमूनिया में, अगर नमूनिया में ये होता है कि म्यूकस जो होता है वो फेफड़ों में जमा हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, आप सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते, तो उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। तो ये वेंटोलिन जो सोल्यूशन है ये नेबुलाइजर में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये होता है कि अगर एडल्ट्स हैं, इसकी डोज बता देता हूँ कि 20 ml में से आपने 2 ml एडल्ट्स के लिए 2 ml आपने डालना है, और साथ में 2 ml नामोसलाइन डालना है, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें, आप एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए 1 ml ये डाल सकते हैं और 2 ml नामोसलाइन डालकर नेबुलाइज कर सकते हैं, और छोटे बच्चों को 0.5 ml मतलब कि 10 कतरे इसके आप डालें और 20 या 25 कतरे आप नॉर्मसलाइन के डालकर उसे भाप दे सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इसकी यूजेस बता दी हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। इससे आपको पेल्पिटेशन, हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, इरीटेशन गले में हो सकती है, खारिश वगैरह, थकावट हो सकती है इसकी वजह से, गले में सूजन हो सकती है, एंकल में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है जिस्म में, ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, पेल्पिटेशन, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो सकता है, मसल क्रैम्प पड़ सकते हैं, इसके रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ही कम होते हैं इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस वीडियो में इसके साइड इफेक्ट्स भी जो होते हैं वो बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।